शिवसेना को मिल गया अपना चुनाव निशान, और चुनाव निशान जो है वो है तीर कमान। आइए, बाकी जो कनाल, 2 कनाल 100 कनाल 50 कनाल है वो जमीन गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन कल रिहाड़ी के इंसिडेंट के बाद जेएमसी का पीला पंजा चला, कोई नोटिस नहीं गया, वो बेचारे लोग अंदर खाना खा रहे थे, पेड़ लगाए हुए थे, और पेड़ को उखाड़ने के बाद खाना छोड़कर उनको उठना पड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट खुद नहीं लगा सकती, वैसे तो वन विभाग कहता है कि पेड़ लगाओ, फूल लगाओ, सब कुछ करो, पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, खुद तो लगवाते नहीं है। जो पब्लिक लगाती है खुद अपने घर के बाहर, तो उसको उतारना, उसको उखाड़ना, मौसम के बारे में सब अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है फूल लगाने से, इसको उठाना मैं हमने अच्छा नहीं समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है, मैं राज्य प्रमुख शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का, मैं राज्य प्रमुख जम्मू कश्मीर। सर क्या कहेंगे जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर, किस नज़रिए से आप जम्मू कश्मीर के हालात को अभी देखते हैं? देखो जी, अभी तक तो जम्मू कश्मीर के हालात तो ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इलेक्शन की देरी है, इलेक्शन करवाएंगे तो सरकार आएंगी तो और नॉर्मल पोजीशन बन जाएगी। अच्छा काम किया है गवर्नर ने, तो आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आएंगे तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। स्टेट लाइन को लेकर क्या कहेंगे आप? स्टेट लाइन का ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिनके पास 1 मरला 2 मरला 5 मरला 10 मरला क्या घर बना है, आशाना है, क्या उसके पास दुकान है, क्या वो जमीन भाई वाली है, उसको माननीय गवर्नर साहब उनका जो भी दाम बनता है गवर्नमेंट का वो उनसे लोगों से ले लें। बाकी जो कनाल, 2 कनाल 100 कनाल 50 कनाल है वो जमीन गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन कल रिहाड़ी के इंसिडेंट के बाद जेएमसी का पीला पंजा चला, कोई नोटिस नहीं गया, वो बेचारे लोग अंदर खाना खा रहे थे, पेड़ लगाए हुए थे, और पेड़ को उखाड़ने के बाद खाना छोड़कर उनको उठना पड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में जितने भी जेएमसी की इनकी नालायकी है, मैंने खुद देखा है रिहाड़ी के अंदर कम से कम जो 10-15 साल पुराने लोगों ने घर के बाहर फूल वगैरह लगाए हुए हैं जी। तो गवर्नमेंट खुद नहीं लगा सकती, वैसे तो वन विभाग कहता है कि पेड़ लगाओ, फूल लगाओ, सब कुछ करो, पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, खुद तो लगवाते नहीं है। जो पब्लिक लगाती है खुद अपने घर के बाहर, तो उसको उतारना, उसको उखाड़ना, मौसम के बारे में सब अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है फूल लगाने से, इसको उठाना मैं हमने अच्छा नहीं समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई जगह किस आदमी ने कोई ज़्यादा जगह घेरी है तो उसके पास जाते पुलिस, रिक्वेस्ट करते भाई जी आपने 10 फुट जगह आगे की है, कृपा करके इसको 5 फुट कर दो, जो गाड़ियाँ निकल जाएगी और आपको तंगी नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा होना चाहिए था। ये रात का समय, दिन का समय, पासे जाते हैं चोरों की तरह, पीला पंजा लिया तो पीला पंजे के साथ सबके लोगों के घर उड़ा दिए, जो बगीचे बने थे वो तोड़ दिए, ये अच्छा नहीं लगा हमें। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर शिवसेना जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में जीतती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के हित में क्या काम करेगी? पहले तो जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा रोजगार हैं, इन सबको कोशिश होगी कि इनको काम दिलाया जाए, कोई ना कोई कहीं कहीं किसी को नौकरी दी जाए, इंडस्ट्री का बढ़ावा हो, कहीं अपने जैसे फूड मिनिस्टर कल आए थे, उन्होंने बोला कि हम अपना इसको इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, इसका इसके लिए हम क्या बोलते हैं उनको वो खोलेंगे, क्या नाम उसका, बगीचे खोलेंगे, अखरोट के बाग लगाएंगे, सेब के बाग लगाएंगे, जम्मू के अंदर, भद्रवाह के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर जो केसर बनता है उसको बड़ापन देंगे, और आगे पीछे जितना भी है 25% सब्सिडी मिलती है, और ख़ासकर जम्मू के लोगों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन जम्मू के अंदर कहाँ बागीचे लगाएंगे, जम्मू के अंदर ज़मीन ही नहीं है? जम्मू के अंदर नहीं है, जो गांव में जितने भी हमारे आरसपुरा है, जहाँ नवा शहर की बेल्ट पड़ती है, कठुआ वाली बेल्ट है, सांबे वाली बेल्ट है, अखनूर की बेल्ट है, जहाँ पर तो जमींदारी बहुत है, वहाँ पर लगेंगे, जैसे रामबन, बनाल, और जैसे किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, उस जगह पर भी काफ़ी हो सकता है। आपको लगता है इलेक्शंस होंगे? हाँ, लगता तो है, जैसे तैयारी कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, तो गवर्नमेंट अभी चाहती नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जब क्योंकि इन्होंने जो तोड़ फोड़ स्टार्ट की है तो इनको लग रहा है कि हमें इसमें नुकसान होगा, इस कारण अभी थोड़ा पीछे पीछे जा रहे हैं, जो ऐसा नहीं करते तो इलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा थे। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे आपने देखे हैं, रास्तों पर देखे हैं, सड़कों पर देखे हैं, गली कूचे चौराहियों में देखे। पीएमजीएस की जो स्कीम थी, सैलरी देनी थी हिंदूज को, आज का दिन इतना बड़ा दिन था लेकिन नहीं दी, क्या क्या कहेंगे इस बारे में?
पीएम पैकेज के बारे में क्या? हाँ, पीकम पीएम पैकेज के बारे में जो बेचारे जैसे जगती के लोग थे और भी कुछ लोग थे कश्मीर के अंदर जो नौकरी करते थे, जम्मू के अंदर धरना वगैरह काफ़ी दिन से चल रहा था, इनको आज के दिन खासकर शिवरात्रि का जो दिन है इन लोगों को पैकेज मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने देना चाहिए। बाकी जैसे सब लोगों को सब्सिडी देते हैं दूसरे समुदाय लोगों को, आज का दिन जो शिवरात्रि का दिन है कुछ ना कुछ इन लोगों को जरूर देना चाहिए। इसमें हम भी थोड़ा दुख है इस बात का कि इन लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भाजपा कहती थी 1950 से लेकर अभी तक हमारा एक ही एजेंडा था 370 को हटाना, लेकिन भाजपा का ये एजेंडा सुनने को नहीं मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की जाए, इंडस्ट्रीज लगाई जाए, रोजगार बढ़ाया जाए। वो तो आंखें बंद करके सोए हुए हैं, जो भी है हाँ हम हैं, हम देख लेंगे, हम जेक करेंगे वो करेंगे, जैसे वो राजीव गांधी करता था, हम सुनेंगे देखेंगे चलेंगे। वैसे ये जम्मू के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों ने। इन लोगों ने बाहर आकर ये बोलते हैं कि हम सीटें जीतेंगे, ऐसे सीटें नहीं जीते जाएंगी जब तक लोगों के काम नहीं होंगे। जैसे लोग दर दर हो रहे हैं, जैसे किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, किसी की दुकान तोड़ी, जैसे नवी बस्ती के अंदर हुआ तो वहाँ अपने राणा साहब आए, भाई मैं हूँ ना, चिंता मत करो। वो लोग अभी तक नहीं सो रहे, आप हैं तो नोटिस दिए हैं और लिख कर दे, जहाँ तो आप गवर्नर से लिख कर ले कि भाई आपको जो एक मरला पाँच मरला दस मरले तक लोग हैं, ये हमने ऑर्डर निकाल दिया है, इन ना कोई दुकान तोड़ेगा ना कोई मकान तोड़ेगा, ये हमारा ऑर्डर है, जो एक कनाल के ऊपर की जगह है हम उसको तोड़ेंगे। वो तो हम कहते हैं कि वो करें, पर उनका ऑर्डर भी निकालते हैं ऐसे ही ऊपर से कहते जाते हैं कि हाँ जी इनको छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, ऐसे मुँह जुबानी जो बातें हैं ये अच्छा नहीं है। आप इनको लिखित रूप पर लिख कर ले लोगों को दे, एक ऐसा ऑर्डर निकालें कापी कि भाई जिसके पास 10 मरले 12 मरले तक जमीन है उसको कुछ नहीं किया जाएगा, लोग खुश होंगे फिर लोग इनको वोट देंगे, ऐसे कोई लोग इनको वोट नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना है तैयार जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के लिए, जब भी सरकार असेंबली इलेक्शंस के नोटिफिकेशन निकाल देगी, जैसे जेके एसएसबी की नोटिफिकेशंस निकलती हैं वैसे ही जब हाई कोर्ट जब जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के नोटिफिकेशन निकलेगी तो शिवसेना का ये तीर और कमान का निशान जो है चुनाव निशान और चुनाव निशान रहेगा, और कमान में से तीर निकलेगी कहां जाके लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा।